हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल DRX दीपक फार्मा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डी फार्मेसी एंड बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन के बारे में। अगर दोस्तों आपने पार्ट वन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी MCQ के नहीं देखा है तो उसे जाके देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या इस वीडियो में पार्ट टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी MCQ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे आपको फार्मेसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अगर दोस्तों इस बार आपका भी एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म डिस्क्राइब प्रोडक्शन ऑफ RBC? ऑप्शन ए एनाबोलिज, बी कैटाबोलिन, सी इरिथ्रोपोएसिस, डी होम्योस्टेटिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लोट फॉर्मेशन? इनमें से कौन सा है जो रिक्वायर नहीं है ब्लड क्लोट फॉर्मेशन में? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी प्लाज्मिन, ऑप्शन डी फिब्रोजेन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स? ऑप्शन ए लीकोसाइड, ऑप्शन बी इशिनोफिल्स, ऑप्शन सी इरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इरिथ्रोसाइट। इनमें से इरिथ्रोसाइट वाइट ब्लड सेल का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर, डिक्रीज इन टोटल WBC काउंट इज, वाइट ब्लड सेल काउंट इज, डिक्रीज कैसे होता है? ऑप्शन ए थ्रोम्बोसाइटोसिस, ऑप्शन बी लिकोसाइटोसिस, ऑप्शन सी लिकोनीमिया, ऑप्शन डी एनीमिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर फाइव, वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ लिम्फेटिक ऑर्गन? इनमें से कौन सा है जो लिम्फेटिक ऑर्गन का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए थाइमस, ऑप्शन बी पैनक्रियाज, ऑप्शन सी स्प्लीन, ऑप्शन डी टॉन्सिल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पैनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर सिक्स, स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ? ऑप्शन ए WBC, बी प्लेटलेट्स, सी RBC, डी थ्रोम्बोसाइट्स। करेक्ट आंसर इज RBC, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सेवन, लिम्फेटिक फ्लूड इज? ऑप्शन ए एल्कलाइन, ऑप्शन बी एसिडिक, ऑप्शन सी न्यूट्रल, ऑप्शन डी वीक एसिड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एल्कलाइन। क्वेश्चन नंबर एट, द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम एंड इस डिसऑर्डर इज कॉल्ड? ऑप्शन ए यूरोलॉजी, ऑप्शन बी कार्डियोलॉजी, ऑप्शन सी हेमाटोलॉजी, ऑप्शन डी न्यूरोलॉजी। करेक्ट आंसर इज न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी मीन्स अ स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम? ऑप्शन ए क्रेनियल नर्व, ऑप्शन बी स्पाइनल नर्व, ऑप्शन सी स्पाइनल कोड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी स्पाइनल कोड। क्वेश्चन नंबर टेन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट्स पोस्चर एंड बैलेंस? कौन सा ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो रेगुलेट करता है प्रेशर एंड बैलेंस? ऑप्शन ए मिड ब्रेन, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर इलेवन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मास्टर ग्लैंड ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम? इनमें से कौन सा है मास्टर ग्लैंड इंडोक्राइन सिस्टम का? ऑप्शन ए एड्रिनल, ऑप्शन बी पैनक्रियाज, ऑप्शन सी रीनल, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पैनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ईयर? ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी थ्री, ऑप्शन सी फोर, ऑप्शन डी फाइव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी थ्री। मैलिस इनकस स्टेपिस, ये तीन बोन्स प्रेजेंट रहते हैं ईयर में। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, ऑर्गन ऑफ कॉर्टिया आर रिलेटेड टू? ऑप्शन ए साइट, बी हेरिंग, सी इक्विबियम, डी टेस्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हेरिंग। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, विच द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई? इनमें से कौन सा है जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रेटिना। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, विच वन इज द ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ आई? इनमें से कौन सा है जो ट्रांसपेरेंट लेयर है आई का? ऑप्शन ए स्केलरा, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी आयरिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन, विच वन इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट? इनमें से कौन सा है जो इनर मोस्ट लेयर है हार्ट का? ए इंडोकार्डियम, बी मायोकार्डियम, सी पेरिकार्डियम, डी विस्लर लेयर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर होता है हार्ट का। क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन, वल्व प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज? ऑप्शन ए मिटर वल्व, ऑप्शन बी बाइस्केप, ऑप्शन सी सेमी लूनार वल्व, ऑप्शन डी ट्राइस्केप वल्व।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ट्राई एस्केप बल्ब। क्वेश्चन नंबर 18, बाय व्हाट मींस डज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल फ्रॉम द आरटीआर टू वेंट्रिकल्स वाया। ऑप्शन ए गैप जंक्शन, ऑप्शन बी प्रिकुंजिंग फाइबर, ऑप्शन सी इंटरकलेटेड डिस्क, ऑप्शन डी एटीओ वेंट्रिकल बंडल। करेक्ट आंसर इज ए वी बंडल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, विच चैम्बर ऑफ द हार्ट हैज द थिकेस्ट मायोकार्डियम। इनमें से कौन सा चैम्बर हार्ट का है जिसका थिकेस्ट मायोकार्डियम होता है। ऑप्शन ए लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन बी राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन सी लेफ्ट आरटीएम, ऑप्शन डी राइट आरटीएम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लेफ्ट वेंट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द स्ट्रक्चर नॉन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट फ्रॉम द फ्लोइंग। ऑप्शन ए आरटीओ वेंट्रिकल नोड, ऑप्शन बी साइनो आरटीएल नोड, ऑप्शन सी आरटीओ वेंट्रिकल बंडल, ऑप्शन डी द बंडल ऑफ हिज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एसए नोड। अगर दोस्तों आपको इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।